थोड़ी देर कंसंट्रेट करें इस पे, फिर आप गिनते जाएं 100 से 1 तक। और अगर आप शुरू शुरू में एहतियात से करें, गर्दन में खुदा ना करदा कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, बड़े एहतियात से करने हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप देर तक कर सकते हैं। और फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं, हाथों को यूज करके ना पीछे ले जा सकते हैं थोड़े से। और अब हाथों को वापस यहाँ पर ले, आहिस्ता 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 खोलों को पकड़ के ना ये आहिस्ता आहिस्ता आते रिलैक्स। जान के लिए सांस ले, रिलैक्स करे थोड़ी देर। इस आसन के जो खूबियां हैं, बहुत खूबियां हैं, ब्लड की जो सर्कुलेशन है आपके सर की तरफ आता है, नेचुरल ब्यूटी से बहुत बेहतर हो जाते हैं, दिमागी सलाहियत इंक्रीज होते हैं, लचक पैदा होता है बॉडी में, चाक्रास पावर को के एक्टिवेशन होते हैं, माइंड पावर को इंक्रीज करते हैं, आइज के प्रॉब्लम को बेहतर करते हैं, आपके गले में अगर प्रॉब्लम है थायराइड ग्लैंड को और इसको जो है ना थायराइड ग्लैंड की वजह से आपके जो है ना मोटापा भी ख़त्म हो जाता है इसे, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को नॉर्मल कर देता है ये। दूसरे इसकी खूबियाँ जो है आपके जिल्द पे हैं, आपके चेहरे के जिल्द पे खूबसूरती पे हैं, ये इंसान को बहुत आँखों में जो है ना शार्पनेस आ जाता है। ये इस आसन ज़्यादा यानी बहुत देर तक करने से आपके आइज़ की चमक में इजाफा हो जाता है और आइज़ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाता है, नज़र भी इसे ठीक हो सकता है और मुंह में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि खून का दबाव जो है टोटली यहाँ पर आ जाता है और ये यहाँ से जहरीली मादे निकाल लेते हैं। ऐसे लोग जिसको एग्नीस होती है या चेहरे की प्रॉब्लम जो भी है और कुछ जिल्द की प्रॉब्लम है उनको, ये स्किन डिजीज प्रॉब्लम्स है, ये तमाम चीज़ों को ठीक कर देते हैं। तो आप इस आसन को लाजमी सीखें, इस आसन को लाजमी कर लिया करें और ये आपको इतने इतने बड़े खर्चे करते हैं लोग, तो ये मुख्तलिफ केमिकल्स यहाँ पर लगाते हैं जिसकी वजह से और चेहरा ख़राब हो जाता है, या माइंड पावर इंक्रीज करने के लिए बहुत से कुछ करता है, ये एक बेहतरीन कंसंट्रेशन भी आपकी कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ा देता है, क्योंकि ये टोटली आपकी कंसंट्रेशन आपकी मुंतशिर खाली को जमा कर देते हैं कि फिक्र जहन जो है ना इधर उधर भटकते हैं, तो ये कंसंट्रेशन पावर को बहुत बेहतर कर देते हैं। तो इस आसन को लाजमी क्या करें, ये बहुत अच्छे आसन है, बहुत बेहतरीन। तो नाज़िर आइए हम थोड़ी देर इस आसन के बाद थोड़ी मेडिटेशन करें, अपने दिमागी सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश करें, हम अपने दिमागी पावर को उजागर करने की कोशिश करें हम। और इसमें होता यह है कि
मेडिटेशन में आपको पता है या इस कैफियत में बैठे या सुख आसन के कैफियत में के हालत में आप बैठ सकते हैं और हाथों को यूं करके या मुद्रा बनाकर, मुद्रा जिसे कहते हैं, लेकिन उससे बेहतर जो है ये हालत है, ये जो है पोजीशन, ये वाला पोजीशन, ये अच्छे पोजीशन है, जैसा कि दुआ मांगने का है, क्योंकि हाथ सैटेलाइट की तरह पावर लेते हैं। बेहतरीन मेडिटेशन है, बेहतरीन क्या है, बेहतरीन पोज है जो जिसमें आप बैठे हुए, यानी ये हालत, यू करके गर्दन, कमर गर्दन सीधा हो और आप 50 से गिनते जाएं, 50 से गिनना शुरू कर दें, 50 से गिनना शुरू कर दें, जब जीरो पे आ जाते हैं, 50 से नीचे आते हुए जीरो पे आंखें बंद करके जीरो पे जब आ जाते हैं तो तस्वीर करें एक खूबसूरत दुनिया को, कोई ऐसा जगह तस्वीर करें जहाँ पर कई ऐसी जगह को तस्वीर करें, तस्वीर मिले जहाँ एक पहाड़ी है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, आप उसमें अंदर सुराख है, उसके अंदर जाएं, फिर अंदर रूम्स है, कई रूम्स है, कमरे हैं और एक कमरे को जाएं आप, मकसद वहाँ आपको हीलिंग पावर मिलते हैं, एक कमरे में आप जाएं वहाँ आपको दौलत मिलते हैं और एक कमरे में आप जाएं वहाँ आपको मिलता है एक रूहानियत मिलता है, लहरें मिलते हैं, सुकून के पावर्स मिलते हैं, यानी हैप्पीनेस मिलता है, खुशियाँ मिलते हैं, इस तरह तस्वीर करके। तो आए इसी तरह के हम कर दें। अब मैंने 50 से जीरो तक गिना, तो अब मैं तस्वीर कर रहा हूँ एक पहाड़ है जिसके अंदर सुराख है और एक सुरंग है, मैं सुरंग के अंदर गया जा रहा हूँ और सामने तीन कमरे हैं, एक है सेहत का, खुशियों का और दौलत का। मैं सेहत के कमरे में गया, यहाँ से मैंने सेहत हासिल की और फिर मैं खुशियाँ मेरे अंदर उजागर होती हुई खुशियाँ, और अब मैं दूसरे कमरे में गया जहाँ पर खुशियाँ हैं, खुशियाँ आई मुझ में, और अब मैं तीसरी दौलत के कमरे में गए और मैंने दौलत को भी हासिल किए। यह सारा कुछ मैं साथ लेकर बाहर आया हूँ, यानी ये आप काफ़ी देर तक इस तस्वीर करें वहाँ पर रहें।
फिर 12 और बाहर आते हुए एक आवाज़ दें कि आप एक स्पेशल इंसान हैं, एक वाहिद इंसान है जो आप दुनिया में कुछ ख़ास करके जाएंगे, कुछ अच्छा करके जाएंगे, और आप एक अच्छा और मुफीद इंसान हैं और अल्लाह ताला ने आपके एक ड्यूटी लगाई जो कि अच्छाइयों का है, और इस दुनिया में ज़रूर आप कुछ करके देंगे, कुछ करके जाएंगे इस दुनिया से। तो नाज़रीन, बेहतरीन आसन बताए मैंने, खुशी है और कि आपको मैंने कुछ दिया होगा, अल्लाह करे कि आप इस पे अमल किए होंगे। और ये बहुत अहम है क्योंकि लोग जो है ना इस तरह चीज़ों को सिखाने में कई कई जो है ना वो पैसे लेते हैं, तो यहाँ आपको ये चीज़ें मुफ्त मिलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो लोग हैं इस्लामाबाद के लोग हैं, पीसी होटल में 26 अगस्त को क्लास दे दूंगा मैं, 26, 27 और 28 पीसी होटल रावलपिंडी, और 29, 30 और 31 को लाहौर पीसी होटल में मैं क्लासेस दे दूंगा। तो वहाँ के लोग जो है इस्लामाबाद पिंडी इर्द गिर्द जो लोग हैं और लाहौर के इर्द गिर्द लोग हैं वहाँ वहीं पे आ जाएं, वहीं पे मैं क्लास दे देता हूँ आप लोगों को। और कराची के जो लोग हैं इनको तो पता है कि जुमेरात को एक फ्री लेक्चर होती है जिल साइंसेस इंस्टीट्यूट में, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से इस पर हम और डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल करें, कोई आना है मिलना है मुझसे तो आप आ जाएं पीसी होटल में, या कराची वाले या इर्द गिर्द जो सिंध के हैं लोग वो जिल साइंसेस इंस्टीट्यूट में आ जाएं, तो मुझसे मुलाकात करें और मुझसे बात करें, मुझसे डिस्कस करें इस चीज़ों को। तो नाज़रीन, ये बेहतरीन तरीका है मेडिटेशन का। एक और बताऊंगा आपको मेडिटेशन का, ये दिस उंगलियों से आप अपने आवाज़ बंद करें, कान बंद करें, आवाज़ बंद करने के बाद कंसंट्रेट करें अंदर की जो आवाज़ें, जिस तरह के कुर्रस इस तरह की आवाज़ आते हैं ना जब आप बंद करते हैं, कुछ सुनाई दे रहे होते हैं, तो अंदरूनी आवाज़ को सुन लो। ये जितना देर तक आप सुन लेते हैं उतने ज़्यादा आप कंसंट्रेशन के पावर, मेमोरी पावर आपके बहुत इंक्रीज होती है, सुकून इंसान पाता है, रिलैक्सेशन होता है। ये हाथों को यूँ रखिए, ये अंदरूनी आवाज़ सुनाई दे रहे होते, और एक मिनट करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आप अपने रूह की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। अभी तो ब्लड जो चल रहा है हमारी बॉडी में उसकी आवाज़ आ रहे हैं, इससे टेंशन डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर यानी तमरकुज़ फ़िक्र बहुत इजाफा हो जाते हैं, और मेमोरी ज़हानत
बेहतर हो जाते हैं। और इससे सुकून मिलते हैं जिसकी वजह से आपके चेहरे पे फ्रेशनेस आ जाते हैं और गुस्सा को बहुत कम करते हैं।